सो अभी हम लोग फ्रेश हो गए, कपड़े पहन के हम इसमें पार्क के लिए चलते हैं। तो ये रहा अम्यूजमेंट पार्क का गेट। तो यहाँ से देखते हैं कुछ नज़ारा, एकदम बहुत सुंदर लग रहा था भाई, पूरा एक एक झूला दिख रहा था यहाँ से। तो चलते हैं अब इसके अंदर, तो आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं कैसा रहा हमारा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और ये है ब्लू बर्ड का पार्ट टू। पार्ट वन आपने देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना। तो पार्ट टू भाई इससे भी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं सफ़र पे। ये यहाँ का 7D रूम, जहाँ इन्होंने पूरे पार्क का एक ओवरव्यू दिखाया सभी को कि आगे क्या क्या है, मतलब बहुत चीज़ें हैं आगे, आपको दिखाते हैं। चलिए 7D रूम का सफ़र करके हम लोग निकलते हैं सुहाने सफ़र पे। किसकी मम्मी है? किसकी मम्मी है? ये सुहाने सफ़र का जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक अलग सी दुनिया है। तो वहाँ पर इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया, इसलिए अंदर की वीडियो में नहीं बना पाया। तो आगे चलते हैं, ये तय किया पंजाबी ढाबे का सफ़र। बहुत मज़ा आया था यहाँ पे भाई, ये पूरा इन्होंने A to Z लुक दिया है पंजाबियों का। देख सकते हैं आप, सरदार खड़े हुए हैं ढोलक लेके, फिर आगे बहुत सी खूबसूरत आर्ट किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। फिर हम चलते हवा हवाई के सफर भाई। इस पर क्या सीन हो गया था, बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल का सीन है यहाँ पे। इसको यहाँ से देख के कितना डर लग रहा है कि ऊपर जाके हम लोग का क्या होने वाला है, मैं आपको बताया नहीं सकता। बहुत ही मज़ा आया था इस झूले पे भाई। चलते अब हमारी बारी इस झूले की। सो अभी स्टार्ट होने वाला है गाइस, तो आगे की क्लिप आप देख के बहुत इंजॉय करेंगे। हवा हवाई का सफर करके चलते अब उड़न खटोले के सफर पे। ये झूला भाई बहुत ही मज़े वाला झूला है, इसमें मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया था, मैंने कैसे संभाला। फिर यहाँ का मौसम हुआ ख़राब, ही अचानक से बारिश आने लगी और हवाएं इतनी ज़ोर से चल रही थी कि जो झूले पे था उसको डर लग रहा था भाई। अच्छा, फिर यहाँ की ये झील है, यहाँ पे आप नाव चला सकते। ये यहाँ का एग्जिट गेट है, काफ़ी बड़ा था। सो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ और ये बैंड निकाल देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। इसके बिना अंदर कोई भी झूला झूलने नहीं देते थे। अगर ये आपके हाथ से गुम हो जाता है तो वाटर पार्क में, तो आप अम्यूजमेंट पार्क का सफ़र आप नहीं कर सकते इसके बिना। तो इसका निकलने रहा, मैं अपना निकाल देता हूँ भाई। मेरा तो बहुत आसानी से निकल गया, तो उसका पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है। ये देख, निकल गया मेरा, कहाँ गया। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, अभी हमको आगे और भी जगह घूमना है। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत मज़ा आया था भाई, बहुत मज़ा आया था। एक बार आप लोग ज़रूर से यहाँ पे विज़िट करिएगा, अगर आप लोग यूपी के हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी तक। मेरी हमारी गाड़ी कहाँ है भाई? गाड़ी हमारी वो खड़ी रही, अभी चलते हैं उसके पास। तो चलो चलते हैं भैया। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा, छोटा सा चैनल है इसको बड़ा करना है। तो ब्लू बर्ड घूमने के बाद अब हम आज चले हैं कानपुर के सबसे बड़े मॉल में, Z Square। ये मेरे ख्याल से लोग कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, तो काफ़ी बड़ा भी था। अभी आप लोगों को पता चलेगा आगे, ये काफ़ी सच में बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर मॉल बनाया था इन्होंने। तो चलते हैं अभी हम। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है, यहाँ पे एंट्री गेट पे इतनी अच्छी डेकोरेशन, तो आगे जाके आपको कितना सुंदर नज़ारा दिखने को मिलेगा। चलते हैं अभी हम आगे। आगे चलो यार।
तो चलते हैं यहाँ पे घूमते फिरते हैं, फिर अभी हमको रात में निकलना भी अपने घर के लिए। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही नेक्स्ट लेवल था भाई, कुछ मत। घूमते घूमते हम लोग को भूख लग गई थी, हम लोग घूम रहे थे कोई कैफे रेस्टोरेंट, तो आ गए अपने बर्गर किंग में भाई, हमारा नहीं मतलब मॉल का ही है। तो यहाँ पे चलते कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे अभी और घूम। एक बार यहाँ से नज़ारा देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर से पूरा टॉप तक का है, ये घोड़ा इन्होंने रखा है लाइटिंग से सजा के, घोड़ा भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमने कामरू के सबसे दो खूबसूरत जगह को घूम चुका है, एक ब्लू वर्ल्ड एक जेड स्क्वायर मॉल। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।